बच्चों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन रिएक्शंस। कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, कुछ क्लेडन से और कुछ इधर उधर से मैंने ली हुई है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जब एल्काइन का रिडक्शन किया जाता है कैटेलिटिक, अगर हम एल्काइन का कैटेलिटिक रिडक्शन करें तो एल्कीन एल्काइन जो है बच्चों इसमें चेंज आती है, एल्कीन में चेंज आती है। ट्रिपल बोन का दो बार हाइड्रोजन लग करके सीधा सीधा क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। मतलब यहाँ पर बन जाएगा बच्चों CH3CH3। तो हमें कोई पॉइजन कैटलिस्ट लेना पड़ता है पैलेडियम के साथ में, जैसे कि यहाँ पर लेड एसिटेट लिया है और CaCO3 लिया है। तो बच्चों ये लिनलार कैटलिस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, एज ए पॉइजन कैटलिस्ट का काम कर रहा है और उसको एल्कीन में चेंज कर दे रहा है। यानी कि मतलब रिएक्शन पहले एक बार हाइड्रोजन लगेगा तो एल्कीन में जाएगी और एल्कीन से फर्दर किस में जाएगी बच्चों, एल्केन में चेंज होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टॉप हो जाए, रिएक्शन आगे प्रोसीड ना हो तो क्या बन जाता है, हमारा एल्कीन हमें मिल जाता है। और ये काम हम किससे कराते हैं बच्चों, लिनलार कैटेलिस्ट से कराते हैं। रिएक्शन होती किस तरह से बच्चों, लिनलार कैटेलिस्ट में जो कैटेलिस्ट है उसके ऊपर हाइड्रोजन एडजोर्ब हो जाती है, तो दोनों हाइड्रोजन का जो ट्रांसफर होता है वो सिस होता है, सेम साइड से होता है। इसे जो एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है तो सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों स्पेशलिटी क्या हुई इस रिएक्शन की, कि हमारी जो जनरल रिएक्शन है वो कहाँ पे जाकर के रुकती है, एल्कीन में जाकर रुकती है। दो बार हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, लेकिन रिएक्शन हमें यहाँ पर स्टॉप करनी हो तो उसके लिए हम ले सकते हैं बच्चों लिनलार कैटेलिस्ट हम यूज कर सकते हैं और रिएक्शन को हम सिस एल्कीन बना का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो क्या बच्चों कोई और प्रोसीजर है जो हमारा एल्कीन को क्या बना सके, ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन कर सके। अब बच्चों कुछ रिएजेंट्स देखते हैं हम यहाँ पर जिससे हम एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बना सकें। ये लिनलार कैटेलिस्ट जो कैटेलिटिक रिडक्शन है वो हमें इस तरह से एडजोर्ब हाइड्रोजन होकर के क्या देता है, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन कराता है। लेकिन हमें देखना है बच्चों ट्रांस किस तरह फॉर्म की जाती है। तो जैसे कि एक और एग्जांपल से बच्चों इसको देख लेते हैं, ये एल्कीन है, एल्कीन का लिनलार रिडक्शन अगर कराया जाए तो बच्चों क्या बना, सिस एल्कीन बना। और अदर वे सिस एल्कीन बनाने का बच्चों विटिग रिएक्शन है, अगर स्टेबलाइज एलाइड नहीं है, अनस्टेबल एलाइड है तो बच्चों जो हमारी एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा कार्बोनिल पर, तो कैसी एल्कीन बनती है, सिस एल्कीन बनती है। इसको बच्चों विटिक रिएक्शन में जाकर के, आप विटिक रिएक्शन की एक वीडियो उसमें जाकर के देख सकते हो कि सिस एल्कीन कब बनती है और ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन कब होता है। फिलहाल अगर अनस्टेबल एलाइड है तो उससे भी हम सिस एल्कीन बना सकते हैं और लिनलार कैटेलिस्ट लेकर के भी एल्काइन को हम सिस एल्कीन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर सोडियम NaNH3 लिया जाए, ये सेम रिएजेंट है जो कि हम किस में यूज करते हैं, बिर्च रिडक्शन में यूज करते हैं। अगर ये एल्काइन को भी रिड्यूस कर देता है, किस में, ट्रांस एल्कीन में बच्चों इसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ इस तरह से ट्रांस एल्कीन बनती है। तो फिर रीजनिंग कहती है बच्चों ये जो बिर्च रिडक्शन वाले रिड्यूसिंग एजेंट है NaNH3 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, कि ट्रांस एल्कीन क्यों बना रहा है, क्यों नहीं ये जो है बच्चों कैटेलिटिक रिडक्शन की तरह से सिस एल्कीन क्यों नहीं बना रहा है। उसके लिए बच्चों नीचे देखते हैं, सोडियम पहले क्या देगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसका यहाँ पर गया तो यहाँ पर बच्चों नेक्स्ट कार्बन पर क्या जाएगा, फिर एनायन आएगा। तो ये मैक्सिमम दूरी पर रहना चाहेंगे, एक यहाँ पर और रेडिकल इधर, ताकि इनमें लेस रिपल्सन रहे। यहाँ पर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हुआ, दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो यहाँ पर इसी ऑर्बिटल फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन सोडियम से आएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात कहें तो यहाँ मेन रेडिकल एनायन कैन पिक अप द प्रोटॉन फ्रॉम द एमीन सॉल्यूशन टू गिव विनाइल रेडिकल, ए सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन सप्लाइड अगेन बाय सोडियम गिव एन एनायन डेटेड ऑफ द मोर स्टेबल ट्रांस ज्योमेट्री। जो ज्योमेट्री दूसरा वाला जो एडोप्ट करेगा, कौन सा करेगा बच्चों, ट्रांस ज्योमेट्री एडोप्ट करेगा, रीजन मोर स्टेबल ज्योमेट्री है। और आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर जो ये रहे एल्कीन, इसने अटैक किया वो दो रहे, तो मैक्सिमम दूरी पर ये यहाँ पर है, मैक्सिमम दूरी पर यहाँ पर है। तो एक हाइड्रोजन इधर से एब्जॉर्ब हुआ, दूसरा हाइड्रोजन इधर से एब्जॉर्ब हुआ है। तो इस तरह से हम अगर किसी एल्काइन का रिडक्शन बच्चों कराना चाह रहे हैं, एल्काइन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, और कैसा एल्कीन पाना चाह रहे हैं हम, ट्रांस एल्कीन पाना चाह रहे हैं, तो ये एक बच्चों हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है NaNH3 विद द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, जो कि आप बिर्च रिडक्शन में रिएजेंट यूज करते हो वही जो है बच्चों NaNH3 है। और बिर्च रिडक्शन में बच्चों हमने इस चीज़ के लिए यूज़ किया था, हमने कहा था कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को, ये वीडियो पड़ी हुई है आप उसमें देख सकते हो, कॉन्जुगेटेड अगर डबल बॉन्ड है तो उनको रिड्यूस करने के लिए काम करता है।
ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का अभी बच्चों पाई स्टार जो है लो लाइंग हो जाता है, ल्यूमो उसका लोअर स्टेबल ल्यूमो हो जाता है, क्योंकि ये एल्काइन मोर एसपी हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया। तो यहाँ मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो पुट कर पा रहा है इसके किस में, ल्यूमो में डालेगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पुट करेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने रीजनिंग की बात की थी उसी तरह से यहाँ पर भी। तो इसको रिड्यूस कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर एसपी हाइब्रिडाइजेशन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने से उनके जो ल्यूमो है, जो अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, वो क्या हो गए, लोअर एनर्जी के हो गए। फिर मैं कह बच्चों ये रीजन आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर NaNH3 के प्रेजेंस में एल्काइन एल्कीन में चेंज हो जाता है, वो भी कैसी एल्कीन, ट्रांस एल्कीन, जिसमें हाइड्रोजन अपोजिट साइड रहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन क्या रहते हैं बच्चों, अपोजिट साइड हाइड्रोजन रहते हैं, और इसमें ट्रांस क्यों बन रही है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर एनायन है और यहाँ फिर रेडिकल है, और यहाँ इसीलिए ये यहाँ पर रहती है क्योंकि हमारे एल्कीन जो है ट्रांस एल्कीन क्या है बच्चों, मोर स्टेबल एल्कीन है, क्योंकि वो लेस स्टेरिक रहती है, बेटर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग उसमें रहती है। आगे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसलिए भी हो गया क्योंकि हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड जो भी न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट हैं, जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया, या फिर बच्चों इसका साथ ही सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करते हैं, सारे के सारे क्या करते हैं बच्चों, ये हाइड्राइड जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल देते हैं, तो ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक नहीं करते हैं। रीज़न ये भी, इसकी भी नेचर कैसी है, न्यूक्लियोफिलिक है, और ये भी कैसा है बच्चों, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और इसकी नेचर भी हाइड्राइड आयन है, तो यहाँ पर अटैक ये नहीं करेगा डबल बॉन्ड पर, लेकिन यहाँ पर हम रिड्यूस कर पा रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड को, इसे ये डिफरेंट हो गई, थोड़ी सी अलग हो गई, इसे इसको देखना यहाँ पर ज़रूरी है। कब कर पाएगा बच्चों, लेकिन ये रिड्यूस एल्काइन विद लिथियम एल्युमिनेट, दिस रिएक्शन वर्क ओनली इफ, तभी काम करेगी इफ हाइड्रोक्सी और ईथर फंक्शनल ग्रुप नियर टू द एल्काइन, अगर एल्काइन के नियर है, नियर में तो बच्चों जैसे कि ये ऑक्सीजन हो गया, इसके एलाइल है, और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या है, इसके एलाइल है, नियर में होना जरूरी है, ऐसा जरूरी है नहीं कि एलाइल पर हो, ठीक है, लेकिन क्या हो, नियरेस्ट हो, नियरेस्ट में मतलब बच्चों क्या है, एलाइल बेटर है, तो आपको ध्यान रखना है अगर देर इज ए हाइड्रोक्सी और ईथर फंक्शन ग्रुप नियर द एल्काइन, नियर एल्काइन के, तो वो उसके साथ चिलेट करता है, नीचे मैकेनिज्म में दिखाऊंगा किस तरह से, और उसको रिड्यूस कर देता है इस तरह से। ये कैसे एल्किन बनाता है बच्चों, ट्रांस एल्किन बनाता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से रिएक्शन इन जनरल नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर कर रहा है, कब कर रहा है, जब हाइड्रोक्सी या ईथर फंक्शन ग्रुप क्या है, नियर टू एल्काइन है, उसके एल्काइन के या कह दें एलाइल हैं, और वैसे घूम करके रिजिड मॉलिक्यूल में वैसे क्लोज आ जाए तभी कर देगा, कुल मिला के उसके साथ चिलेट होकर उसकी हाइड्रोजन वहाँ तक पहुँच पा रहे हो। तो ऐसे बच्चों यहाँ पर इस एल्काइन को H2LR से करेंगे तो बच्चों कैसी एल्किन बनेगी, सिस एल्किन बनेगी, लेकिन हमें ट्रांस बनानी है तो हमारे पास दो मेथड यहाँ पर हो गए, एक तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया, और दूसरा हम क्या ले सकते हैं बच्चों, NA/NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल हम इसको रिड्यूस कर सकेंगे ब्रिज वाले से, तभी क्या बन जाएगा बच्चों, ट्रांस एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ऐसा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कब कर पाएगा, जब उसके एडजेसेंट में हाइड्रोक्सी या फिर कोई ईथर बॉन्ड है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का देखा कि किस तरह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ट्रिपल बॉन्ड को कर दे रहा है रिड्यूस, लेकिन कब कर पा रहा है ये रिड्यूस इसको, जब इसके एडजेसेंट में हाइड्रोक्सी ग्रुप या ईथर ग्रुप है जिसे ये चिलेट कर सके। मैकेनिज्म हम इसके नीचे देखने वाले हैं, वहाँ पर हम इसके मैकेनिज्म देखेंगे। और बच्चों एक थोड़ी सी अनयूजुअल रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक कर दे रहा है, ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक कर रहा है, ये भी डिफरेंट हो गई क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड पर हम कभी ट्रिपल या डबल बॉन्ड पर किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं दिखाते, लेकिन यहाँ इस कंपाउंड में ये पॉसिबल हो पाया। रीजनिंग क्या रही बच्चों, इसकी मैकेनिज्म से समझ में आएगी रीजनिंग, इसने जब अटैक किया तो जो ये इंटरमीडिएट एनायन है ये स्टेबल हो गया यहाँ पर, इसलिए ये अटैक कर पाया। स्टेबल क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि ये किसकी कॉन्जुगेशन में आ गया नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड के, और हाइब्रिडाइजेशन एसपी है तो एनायन को ज़्यादा स्टेबल, तो ये जो एल्काइन था ये स्पेशल एल्काइन बन गया, इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक इससे पॉसिबल हो क्योंकि इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बढ़ गई, अदरवाइज हम ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं कराते हैं, ये जनरल रूल है। लेकिन कुछ जगह सिचुएशन चेंज हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर बच्चों कॉन्जुगेशन में आ गए और इसने अटैक यहाँ पर किया है, और उसकी रीजनिंग रही है क्योंकि इनका जो निगेटिव चार्ज और डिलोकलाइज होकर के क्या हो गया, स्टेबल हो गया है।
और यहाँ पर भी जो बच्चों हाइड्रोजन, अब नेक्स्ट हाइड्रोजन जो आएगा जो मिथॉक्सी ग्रुप जिधर से अटैक किया होगा, तो हाइड्रोजन का वो एक्सट्रैक्शन लेस्ट लिस्ट हिंडर्ड साइड से हाइड्रोजन अलग रहेगा। तो इस तरह से ये जो एडिशन हुआ है यहाँ पर मिथॉक्सी एक साइड गया तो हाइड्रोजन अदर साइड गया है, और मिथॉक्सी इधर गया तो एल्कीन जो बनी है यहाँ पर कैसी बनी, सिस बनी है। मिथॉक्सी नीचे से अटैक किया तो नेक्स्ट हाइड्रोजन जो दूसरे मिथॉक्सी से आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, अपोज इस मिथॉक्सी के अपोजिट साइड से आ रहा है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन साइड से आ रहा है। तो हम कह पा रहे हैं कि एल्कीन जो फॉर्मेशन हो रहा है इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, सिस हो रहा है, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से हो रहा है। कुछ और बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ये पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ क्या स्थिति हुई है बच्चों। तो यहाँ पर रिडक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जनरली गिव 1-2 रिडक्शन। जनरली हम जब ये एल्डिहाइड कैसा ले रहे हैं बच्चों, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ले रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो क्या कह रहा है केवल किसको रिड्यूस कर रहा है बच्चों, वो अल्कोहल में चेंज कर दे रहा है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जनरली केवल अल्फा बीटा पर अटैक ना करके सीधा एल्डिहाइड पर अटैक करता है। 94% जो है बच्चों ये मिला है, डबल बॉन्ड ऐसे ही रह गया एस एस यहाँ पर कंपाउंड में, उसको उसने टच नहीं किया है और इसको अल्कोहल में चेंज कर दिया। लेकिन बच्चों अगर C6H5 यहाँ पर है और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड दे रहे हैं, तो बच्चों C6H5 की वजह से, प्रेजेंस की वजह से ये क्या हो दे रहा है बच्चों, डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि एल्कीन अब एल्कीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी बेंजीन की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या चले जाएंगे डिलोकलाइजेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ डबल बॉन्ड पर अटैक करके इसको रिड्यूस कर पा रहा है। तो इन चीज़ों में दोनों में इन एग्जांपल्स में क्या डिफरेंस हम देख पा रहे हैं बच्चों, इन एग्जांपल्स में क्या डिफरेंस दिया गया, अगर CH3 हमने यहाँ पर लिया है या फिर इस तरह साइक्लिक लिया है तो केवल जो मेजर कंपाउंड मिल रहा है हमारा केवल कीटोन के रिडक्शन का कंपाउंड मिल रहा है, डबल बॉन्ड टच नहीं हो रहा है, ऐसा मेजर कंपाउंड रह रहा है। लेकिन जब हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, इसके यहाँ पर C6H5 लिया है, तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी और हाइड्राइड को यहाँ पर कोई हेजिटेशन नहीं होगी अटैक करने में, तो ये वाली एल्कीन भी प्रोड्यूस हो जाती है जब यहाँ पर क्या लगा हुआ है C6H5 है, और यहाँ पर जब CH3 है इसकी तब प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। इसकी मैकेनिज्म अगर देखें हम किस तरह से मैकेनिज्म बच्चों जाएगी, तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इस तरह से बन रही है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पहले क्या कर रहा है बच्चों, इसको एल्कोहल में चेंज कर दे रहा है और उसके बाद चिलेट हो जा रहा है। चिलेट होने के बाद हाइड्रोजन जो इसका ट्रांसफर करेगा, एक हाइड्राइड अपना ये कौन से कार्बन में यहाँ पर करेगा, तो डबल बॉन्ड इस पर टूटेगा, वहाँ जो निगेटिव चार्ज है एल्युमिनियम के साथ फर्दर चिलेट करेगा। मतलब तो हाइड्रोजन ने जो एल्युमिनियम ने जो हाइड्रोजन ट्रांसफर किया था यहाँ पर किया था, यहाँ पर ट्रांसफर इस कार्बन पर किया था और यहाँ पर निगेटिव चार्ज आया होगा, उसने एल्युमिनियम के साथ फिर चिलेशन किया इसी तरह दूसरी तरफ से। और जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा, सपोज ड्यूटेरियम सॉल्वेंट में किया जाए, तो इस पर ड्यूटेरियम लगेगा और इस पर ड्यूटेरियम लगेगा, क्योंकि एल्युमिनियम से जो हाइड्रोजन गए थे वो यहाँ पर गए थे। एल्युमिनियम से जो हाइड्रोजन जा रहा है, एल्युमिनियम से जो हाइड्रोजन जा रहा है कितने, 1, 2, 3, 4, 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बन के यहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर निगेटिव चार्ज जो आ रहा है वो एल्युमिनियम से चिलेट हो रहा है। नीचे इसकी फर्दर मैकेनिज्म और वहाँ से क्लियर हो जाएगी कि रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड यहाँ पर हो रही है। तो बच्चों अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप है एल्काइन में और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हम क्या ले रहे हैं बच्चों, एक्सेस में ले रहे हैं, तो पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, प्रोटॉन उठाएगा, एक्सट्रैक्ट करेगा और उसके साथ हाइड्रोक्सी के साथ चिलेट हो जाएगा। अब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है बच्चों कहाँ पर ट्रांसफर होगा, इस कार्बन पर ट्रांसफर होगा और ये यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ पर एनायन बन गया बच्चों ये, और ये एनायन इस एल्युमिनियम के साथ फर्दर चिलेट होगा इस तरह से, ये इस एल्युमिनियम के साथ चिलेट हो रहा है। तो हाइड्रोजन जो एल्युमिनियम से आया वो इस कार्बन पर आया है, और अब क्योंकि यहाँ अब हाइड्रोलाइज होगा, ये फर्दर हाइड्रोलाइज होगा, ये हाइड्रोलाइज होगा तो जो हाइड्रोजन आएगा वाटर से वो कहाँ पर आएगा बच्चों, इस साइड में आएगा जिधर से एल्युमिनियम लगा हुआ था। तो इस साइक्लिक बन के रिएक्शन जा रही है, इसलिए यहाँ पर जो एल्कीन बन रही है वो कैसी बन रही है, ट्रांस बन रही है, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ आया है क्योंकि इसको साइक्लाइज होना है, तो यहाँ से एल्युमिनियम ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हाइड्रोजन कहाँ पर लगेगा, हाइड्रोजन इस साइड में लगेगा, इस हाइड्रोजन के अपोजिट साइड में लगेगा। तो इस तरह से बच्चों एल्कीन में चेंज हो गया है। हमने यहाँ पर देखा एल्काइन, अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्काइन है तो किस में चेंज हो जाता है, एल्कीन में। लेकिन बच्चों यहाँ पर हमने एक चीज और ऑब्जर्व की, जब एल्कीन बन रहे हैं, जब एल्कीन बन रही है कॉन्जुगेशन में एल्कीन बन रही है, तो अगर यहाँ पर C6H5 था तो एल्कीन भी रिड्यूस हो गई है। एल्काइन तो एल्कीन में चेंज हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पर C6H5 ग्रुप था तो
फर्दर रिड्यूस किसमें हो गया बच्चों, इसमें एल्केन में चेंज हो गया है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बच्चों इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बनता किस तरह से है, एल्युमिनियम क्लोराइड को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड इसको याद रख इस तरह से रख सकते हो, इसमें जितने सी एल ग्रुप्स हैं उनको सबको हाइड्राइड ने रिप्लेस किया है। हाइड्राइड ने अटैक किया, सी एल निकल गया, फिर सेकेंड को अटैक किया सेकेंड हाइड्राइड ने, तो इस तरह सारे के सारे निकल दिए, तो क्या बन गया यहाँ से ए एल एच थ्री बन गया है, क्योंकि इसके अभी भी सिक्स इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, एक हाइड्राइड और अटैक कर सकता है इस पर, तो इस तरह से क्या बन गया ए एल एच फोर निगेटिव बन गया और एक साल्ट लग जाएगा एन ए प्लस, ये लिथियम होगा साथ में तो लिथियम प्लस, तो इस तरह से बचो। अगर लिथियम हाइड्राइड और ए एल सी एल थ्री ले लें तो ए एल एच फोर बन जाता है। आपको रिएजेंट की सिंथेसिस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। सपोज हमने ये लिख दिया और उसके बाद तो इसका मीनिंग क्या होगा हमारा कि इससे ये सिंथेसाइज हुआ है, या फिर एल्युमिनियम ले लें हाइड्रोजन से उसको रिडक्शन करें, हाइड्रोजन गैस ले लें और सोडियम ले लें, सोडियम का तो बच्चों यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, एल्युमिनियम और हाइड्रोजन और एल्युमिनियम क्या हो गए रिड्यूस हो गए यहाँ पर, यानी सोडियम ए एल एच फोर को किस तरह से बनाया जा सकता है सोडियम एल्युमिनियम और हाइड्रोजन गैस के प्रेजेंस में। और हमें अगर साल्ट चेंज करना है दूसरे साल्ट से, वो तो आयन एक्सचेंज में आके बस सोडियम के साथ क्या चला गया लिथियम चला गया, क्लोरीन के साथ क्या चला गया NaCl चला गया। बच्चों कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं कि एस्टर क्या बनाता है बच्चों, अल्कोहल बनाता है, एमाइड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड किस ग्रुप को किस में चेंज करता है बच्चों, एमाइड को किस में चेंज कर देता है, एमीन में चेंज कर देता है, यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो बच्चों क्या कौन से ग्रुप है एस्टर ग्रुप्स हैं, एस्टर ग्रुप किस में चेंज हो जाएंगे एल्कोहल्स में चेंज हो जाएंगे, एमाइड के साथ में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो एमीन में चेंज हो जाएगा, और ये साइक्लिक है। एजाइड, एजाइड भी बच्चों किस में चेंज होता है एमीन में, साइनाइड ग्रुप भी किस में चेंज होता है एमीन में, एनो2 ग्रुप भी फंक्शनल ग्रुप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में किस में होता है एमीन में, तो एजाइड हो साइनाइड हो नाइट्रो ग्रुप हो सारे के सारे अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस किया जाए तो किस में चेंज हो जाते हैं एमीन में चेंज हो जाते हैं। तो बच्चों इपोक्साइड को भी ओपन करें, इपोक्साइड आर रिड्यूस टू द कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल द हाइड्राइड आयन इज ट्रांसफर टू लेस इंडरसाइड, तो इपोक्साइड की जो बच्चों रिंग ओपनिंग है इसकी प्रेजेंस में किसमें हो रही है बच्चों लेस इंडरसाइड से, तो हाइड्राइड आयन किधर से अटैक करे इपोक्साइड ओपनिंग में तो लेस इंडरसाइड से, SN2 टाइप से रिएक्शन जा रही है तो एन आयन कहाँ से रिंग ओपन करेगा लेस इंडरसाइड से ओपन करेगा, इसको ओपन कर देगा SN2 रिएक्शन में बच्चों, अटैक जो होता है SN2 रिएक्शन में अटैक लेस इंडरसाइड से अटैक होता है, लीस्ट इंडरसाइड से अटैक होता है, तो यहाँ से ओपन हुआ है ऐसे बच्चों इसकी इपोक्साइड की ओपनिंग करेंगे तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर भी हाइड्राइड का जो अटैक हुआ है वो यहाँ पर हुआ है और ये इपोक्साइड इस साइड में ओपन हुआ है।